हेलो फ्रेंड्स, कबूतरों से मोहब्बत चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रथम गिरधर। दोस्तों, आज फिर आ चुके हैं विरार में और ये हमारे साथ में बैठे हैं प्रमोद भैया और इमरान भैया। प्रमोद भैया, इस वीडियो में हमारी ऑडियंस को कैसे कैसे कबूतर दिखाएंगे? ये शो कराएंगे तो प्रिंस गोल्डन होगा, प्रिंस गोल्डन कबूतरों का। ये कौन सी ब्रीड है भैया? मैंने प्रिंस कबूतर पहली बार सुने हैं, प्रिंस गोल्डन। दिलावर खान के वो पाकिस्तान के जो कबूतर है, जो कोई उसको हीरा लाल बोलते हैं या कोई प्रिंस गोल्डन बोलते हैं। तो एक मेरे पास एक मस्कत का बंदा आया था जी, वो उसको बोले कि इसको दुबई में यूं में इसको ज्यादा करके प्रिंस गोल्डन बोला जाता है। दुबई में इसको प्रिंस गोल्डन मतलब जो अपने पास आए थे कबूतर देके, तभी वो बोले ये ऐसी ब्रीड भी कम से वहाँ भी चार ही जनों के पास रही दुबई में भी है उसकी। दुबई नायाब कबूतर, उन्होंने बोला खूबसूरती। और इसके पट्टे अपन उड़ाए, इसके सब पट्टे ज्यादा करके अभी दिखाएंगे वीडियो में, तो कम से कम आठ पट्टे तो उसके उड़े, उसके वापसी भी उनके आई। अच्छा, आठ पट्टे आपने इनके उड़ाए हैं। और उड़ान कैसी है भैया इनकी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना टाइम दे देते हैं अभी? तो मैं देखो नॉर्मली एकदम परफेक्टली एकदम ऐसे टूर्नामेंट नहीं खेला, तो मैं ऐसे मेरे पास टेस्टिंग पे 6-8 घंटे पे कर लिए बिना खेल पानी के। नॉर्मली मतलब ऐसे मैं झलक भी ऐसे छोड़ देता हूँ, अभी आपके सामने ओपन है उसमें। मतलब हमने सुबह 6 बजे उड़ाए तो कितना दे देंगे ये? 2-3 नहीं ज़्यादा, उड़ाने वाले के ऊपर है दादा, खेल खेलने के ऊपर है। ये कबूतर का देखो, कोई कबूतर तो सब नस्ली भी रहते हैं उसमें, समझने वाले जान पहचान करने वाले, इसलिए वो खिलाड़ी को है कि उसमें क्या कमी है और क्या नहीं है। बिल्कुल, अगर वो उसमें कमी उसकी पूरी कर ली, वो बढ़िया से उड़ाते। मतलब ये कबूतर 3-4 आराम से बिना खेल पानी आग बंद करके 8-10 घंटा 12 घंटा कान गया। इलाहाबादी आजकल कबूतर 10 घंटे उड़ लेता है, तो भी इसमें कौन सी बड़ी बात है जी। तो इसका भी मतलब बैज जो बाज बैरी होते हैं, मतलब पकड़ कम है, स्पीड है, स्पीड अच्छी है, मतलब बैरी के हाथ में बहुत मारे कम जाते नहीं पड़ते जल्दी से। मैंने खुद ये जगह से मेरे 22 पट्टे इलाहाबादी मार गए थे। अच्छा, बैरी के हाथ में पड़ जाते हैं? हाँ, उन्हें इलाहाबादी पकड़े गए थे, इलाहाबादी। और ये नहीं, ये इसमें कबूतर जो भाग के 5-5 दिन के बाद भी वापसी आ गए। अच्छा, ऐसी बात है, ये खुद अपने आंखों से प्रैक्टिकल की है। अच्छा, ये बात। और इमरान भी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, प्रिंस माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। एक सेकंड, भाई गोल्डन से बहुत अलग रहते हैं। अच्छा, और जल्दी मिलते भी नहीं है किसी के पास, बहुत रेयर ब्रीड है ये, बहुत खूबसूरत है प्रिंस। इनकी आंखें भी थोड़ी अलग है, कलर भी अलग है इनका, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं गोल्डन। सिंदूरी पलक के, हाँ, प्रिंस जो, पलक प्रिंस वाले जो है बहुत खूबसूरत है, वो कम कबूतर ही देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी अपन बोलने से जो कबूतर खुद सामने देख के जी। बाकी दोस्तों, मैंने तो अभी तक नहीं देखे प्रिंस गोल्डन कबूतर, अभी आपको भी शौक कराते हैं और मैं खुद भी शौक करता हूँ प्रिंस गोल्डन कबूतरों का। बाकी मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। आइए प्रतिम जी, आपको प्रिंस गोल्डन का शौक कराता जो सिंदूरी पलक के, सिंदूरी पलक के जी 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 भैया। दोस्तों, ये है प्रमोद भैया के प्रिंस गोल्डन कबूतर। ये देखिए, शौक करिए, पहला कबूतर है ये, देखिए माशाल्लाह लाजवाब, बहुत ही प्यारा कबूतर है दोस्तों। ये देखिए क्या बात है, इसकी कुछ इस तरह की आंखें है, इसका भी शौक करिए। ये देखिए, ये सारे के सारे दोस्तों प्रिंस गोल्डन कबूतर है, शौक करिए, बताइए कैसे कबूतर है, क्या बात है। ये देखिए, बहुत ही नायाब नस्लें रख रखी है प्रमोद भैया ने। ये देखिए प्रिंस गोल्डन कबूतर दोस्तों, क्या बात है। ये है प्रिंस गोल्डन कबूतर और प्रमोद भैया का फेवरेट कबूतर, शौक करिए इसकी आंखों का। ये देखिए माशाल्लाह, ये इनके प्रमोद भाई के प्रिंस गोल्डन कबूतर है ये जी। इनका देखो आईज भी जो है इनकी ना डिफरेंस रहती है गोल्डन से। हाँ जी, इनके कलर, इनके जो ये जो परों का कलर है ना, ये देखिए जी जी जी, ये बहुत माशाल्लाह, ये नया भी है, बहुत ही प्यारा कलर का कबूतर ही देखने को मिलता है ये प्रिंस गोल्डन जी जी। प्रिंस गोल्डन का जो फर्क है बहुत अलग है, पर हम तो एक गोल्डन कबूतर निकालो। ये देखिए, ये प्रिंस था आपके सामने। हाँ जी, और ये अभी मैंने गोल्डन कबूतर पकड़ा है, ये देखिए वो प्रिंस था। प्रिंस और गोल्डन एक ही नस्ल है ना? प्रिंस गोल्डन नहीं, प्रिंस में फ़र्क अलग है प्रिंस। अच्छा, वो रेयर है। ये देखिए, ये देखिए, ये गोल्डन कबूतर है, इसको गोल्डन बोलेंगे जी जी, इसको ओनली गोल्डन बोलेंगे। हाँ, ये गोल्डन है और ये कबूतर प्रिंस में। ये देखिए फ़र्क, देखिए आप खुद देखिए जी, ये देखिए प्रिंस गोल्डन, इनकी पलक देखिए, इनका आँखों का भी कलर थोड़ा फ़र्क है। फ़र्क है, बहुत ही प्यारी आँखों का कबूतर है। एक बार इनके परों का भी शौक करवा दीजिए। देखिए माशाल्लाह, ये भी क्रूच पे है कबूतर, क्या बुरा बात है, बहुत ही बढ़िया। और भैया पंजे भी दिखा दीजिए इसके। देखिए इनके पंजे, खुश्क पंजे, जामनी पंजे जिसको बोलते हैं ना। हाँ जी, खुश्क पंजे, जामनी पंजे, खुश्क जामनी पंजे का कबूतर। ये देखिए बहुत ही बढ़िया माशाल्लाह। ये देखिए, छोड़ के बताता हूँ माशाल्लाह, ये सब सारे प्रिंस ही है। क्या अच्छा, इनके पट्टे भी है,
और बड़े कबूतर भी जोड़ों में लगा रखे हैं। हाँ जी, और उड़ान भी इनमें बेमिसाल है। उड़ान के भी अच्छे हैं। हाँ, टेडियो को इनके साथ उड़ाए तो 19-20 टेडियो के साथ में भी दो पट्टे उड़े हैं। अच्छा, मतलब दोनों की सेम ही उड़ान है, अच्छी उड़ान है दोनों की। हाँ, टेडी के साथ उधर उड़े टेडी के साथ भी, और खूबसूरती इनके माशाल्लाह बहुत अलग है। खूबसूरती बहुत ही प्यारी है। मैं तो जल्दी कहीं कबूतर देखा नहीं। हाँ जी, इसमें के गोल्डन तो गोल्डन कमक कर देखने मिले, प्रिंस गोल्डन देखने को नहीं मिला। जी जी, प्रिंस है या डब वाले है। हाँ जी, और अभी देखिए एक कबूतर प्रथम भाई, देखो ये है माशाल्लाह, ये इसको सिंदूरी पलक बोलते हैं। सिंदूरी पलक का? जी जी, ये देखिए क्या बात है। ये देखिए पर देखिए, इसमें थोड़े कलर अलग अलग भी आते हैं, मादियों के कलर अलग, नर के अलग। हाँ जी, एक नंबर कबूतर है माशाल्लाह, क्या बात है। इनको कोई कोई हीरा लाल भी बोलता है। हीरा लाल? जी, बाहर गांव में हीरा लाल भी बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया, ये सारे प्रिंस। इधर देखिए, ये थोड़ा कलर इसने अलग लिया है, ये भी एक कलर। क्या बात है दोस्तों, देखिए बहुत ही प्यारी स्टैंडिंग का कबूतर है, बहुत ही प्यारा कबूतर है दोस्तों। ये देखिए क्या बात है, एक एक कबूतर का दोस्तों पास से शौक करिए इनकी आँखों का, स्टैंडिंग देखिए, आँखें देखिए, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है दोस्तों। ये देखिए क्या बात है, आँखें देखिए, और खूबसूरती के साथ में प्रथम भाई इसमें उड़ान भी है। उड़ान भी अच्छी है। हाँ, इनमें उड़ान भी है, और इनका जो बॉडी लाइन है ना अलग ही है। हाँ जी, इनके परों का कलर माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर है। बहुत ही प्यारे कबूतर है प्रमोद भैया के, बहुत ही प्यारे प्यारे कबूतर रख रखे हैं, सारी ही अच्छी नस्लें रख रखी हैं इन्होंने अपनी छत पर, अपने फार्म पर। ये देखिए क्या खूबसूरत परिंदा है, बहुत ही प्यारा कबूतर है दोस्तों माशाल्लाह। और प्रमोद भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे कबूतरों के बारे में अपने? अरे आइए आइए, बोलिए बोलिए भाई। अरे नहीं, तुम बोलो। मैं बोला मैं माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर हैं, बहुत। अभी उनके व्यूअर्स भी बता देंगे यार। जी जी जी, अपन सब नहीं नहीं, कबूतर के जो परों के कलर हैं, जैसे अभी इमामदीन कबूतर होता है उसके परों का शेड और उसका गर्दन आँखों का कलर, वैसे ही देखो इनमें माशाल्लाह परों का भी अलग ही कलर है, जैसे हल्के जी 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 घासलेटी टाइप के, हल्के ब्राउनिश, मतलब ब्लैक नहीं है। ये देखिए। और प्रवीण जी, आप प्रथम जी, ये पट्टे अपने घर के पट्टे हैं? हाँ, ये सारे पट्टे हैं, हमारी घर के पट्टी है, ये भी घर का पट्टा है, ये सब उड़े हुए पट्टे ये थे। अच्छा जी, ये ऊपर लटका वो भी है जी, ऐसा है ये अपने सब, बाकी ये सब इधर ब्रीडिंग पेयर है। बाहर भी छोड़ रखे पाँच छह पट्टे, पाँच छह पट्टे बाहर भी छोड़े हुए उड़ाने के लिए, ट्रायल करते हैं, उड़ाते ही, क्योंकि उड़ा के नहीं देखेंगे तो फिर मालूम कैसे पड़ेगा। बिल्कुल, कौन से जोड़ों में पट्टों का अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, उड़ा के टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। टेडी पट्टे भी बहुत उड़ाए और प्रिंस के भी उड़ाए, डब वालों के उड़ा के देखे तभी मालूम पड़ता है ना। हाँ जी, कि कबूतर में क्या खासियत है। मुझे बहुत ही खूबसूरत परिंदे लगे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत टेस्टिंग भी किए पट्टे इनके माशाल्लाह। उड़ा उड़ा, हाँ, और जहाँ जहाँ बेचे उड़ीसा में एक दोस्त को दिए, कहाँ का दिए, वहाँ से कलकत्ता गए, वहाँ से भी लोगों के फ़ोन आए। अच्छा, कि भाई कबूतर दादा आपके बहुत अच्छे उड़े। हाँ, हैदराबाद में भी गए और मैंने खुद ने कमकगर कबूतर उड़ा के देखा हूँ। अच्छा। हाँ, कमकगर जो कलसरे कबूतर हैं गोल्डन है, मैंने उड़ाया, उनका भी रिजल्ट बहुत भारी रहा माशाल्लाह, बहुत अच्छे उड़े। और ये तो अलग ही चीज़ है, ये चेहरे से ही बता रहे हैं इनकी उड़ान क्या होगी, ये खुद मुँह से बोल रहे हैं इनकी उड़ान। नस्ल है ये? हाँ जी, ये नस्ल खुद ही बयान कर रही है। नस्ल है जी, मतलब मज़ा आ गया भाई शौक करके इधर फार्म पर आके। बहुत ही प्यारा प्रमोद भाई के, हमारे इमरान भाई भी आज स्पेशल शो करने के लिए आए हुए, और हमारे प्रथम भाई भी बहुत मेहनत से इधर आए, इनका ही बहुत बहुत शुक्रिया। शौक भी बढ़ा रहे हैं, बहुत शौक बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान है जी, और बहुत अच्छे से वीडियो बना रहे हैं, बहुत खूब माशाल्लाह। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, ये प्रिंस गोल्डन कबूतर आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, कैसे लग रहे हैं। मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, आप लोगों की राय भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग भी बताइए कमेंट बॉक्स में कैसे कबूतर लग रहे हैं दोस्तों आप लोगों को। चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद।